अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बहुत से लोग अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अराजकता और दहशत के माहौल के बीच हिमाचल के भी दो युवकों के वहां फंसे होने की खबर है। दोपहर तक खबर सामने आई कि मंडी जिला के सरका घाट उपमंडल का एक युवक अफगानिस्तान में फंसा हुआ है, जिस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अपना बयान दिया। वहीं दोपहर बाद एक और खबर सामने आई कि सरका घाट का ही एक और युवक अफगानिस्तान में फंसा हुआ है। युवकों की पहचान 36 वर्षीय नवीन ठाकुर पुत्र मान सिंह निवासी वार्ड नंबर 2 सरका घाट और राहुल बुराड़ी पुत्र बलवंत बुराड़ी निवासी रूपा कॉलोनी सरका घाट के रूप में बताई जा रही है। दोनों युवक अफगानिस्तान में रोजगार के लिए गए थे। दोनों की भारत में अपने परिजनों से बात हो रही है और दोनों ने उन्हें वापस अपने देश पहुंचाने की गुहार भी लगाई है। वहीं युवकों के परिजनों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से अपने बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाने की गुहार लगाई है। इस बाबत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि प्रदेश के युवक अफगानिस्तान में फंसे होने की सूचना उन्हें एक फोन के माध्यम से मिली। युवक के परिजनों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को फोन कर मदद की गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि परिजनों से युवक के बारे में पूरी जानकारी मांगी गई है। इस संबंध में दूतावास से भी संपर्क किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि युवक को जल्द ही अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि देश के कुछ लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए थे जो कि सुरक्षित वापस आ गए हैं, हालांकि कुछ और लोग भी अभी वहां फंसे हुए हैं। इन लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। जल्द ही सभी सकुशल भारत लौटेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के लड़ाकों द्वारा राजधानी काबुल पर कब्जा करने और राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर भाग जाने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी है। टोलो न्यूज के मुताबिक अफगानिस्तान में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। मुझे आज एक ही फोन आया है आज सुबह कि एक लड़का वहाँ पर फंसा हुआ है और हमने उनकी डिटेल फोन पर सुनी। हमने कहा लिख करके आप भेज दीजिए ताकि हम एम्बेसी के साथ चेकअप करके उनको बचाया जा सके। लेकिन पिछले कल भारत सरकार ने वहाँ पर जहाँ पूरे देश के कुछ लोग जो फंसे हुए थे उनको निकालने में सफलता हासिल की है, उनको लेकर के आए हैं। कुछ और लोग भी अभी तक फंसे हुए हैं। चिंतित हैं हम सब लोग और हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल के जितने भी लोग होंगे और भारत के जितने भी लोग वहाँ पर फंसे होंगे वो सुरक्षित होंगे और सुरक्षित होने के बाद वो देश वापसी में जो है वो सुरक्षित होकर के आएंगे।